नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवबर्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना अपनी फैमिली का ग्रुप अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिंदे का। गाइस तो गाइस आज ही 11 बज रहे हैं और इन्हें मैं इनका नाश्ता दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो गया। तो आज इनको मैं देऊँगा मेथी, जो कि पाकिस्तान में कहते हैं लूसन लूसन कहते हैं, बहुत से बंदे कहते हैं लूसन होता क्या है, मेथी को ही लूसन कहा जाता है इंडिया में, जो कि इस तरह होती है गाइस। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, परिंदे से खा के थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी और थोड़े बीमार होने से भी बचेंगे गाइस। आप पालक की जगह मेथी दीजिए ताकि इनको मोशन भी जल्दी नहीं लगे। पालक तो ज़्यादा मोशन लग जाते हैं पालक खाने से, मगर मेथी खाने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता कि बर्ड्स को भी मोशन हो जाए और परिंदे जाया ना हो जाए। तो गाइस तो और साथ में मैं इसे, ये आप देख रहे होंगे ये चावल की धान की वो होती है, जो कि इसको भून के ही निकाला जाता है, चावल की होती है गाइस। तो परिंदे ये भी खा के खूब इंजॉय करेंगे क्योंकि परिंदों का तरह तरह का फूड देना चाहिए ताकि वो इंजॉयमेंट में रहे और खूब अच्छे से अपना सेहत का भी ख्याल रख पाए, क्योंकि जंगलों में तो हर चीज़ मिल जाती है मगर जो केज में रहते हैं बर्ड्स उनको हर चीज़ नहीं मिल सकती। बहुत सी कैल्शियम मिनरल्स, बहुत सी पावर की इनकी कमी पड़ जाती है। तो परिंदों को आप हर चीज़ दीजिए जो कि मैं दे रहा हूँ, और सब परिंदों को भी दूंगा, इसको भी दूंगा भाई, वहाँ की कॉलोनी है उसको भी मैं ये दूंगा। तो गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस कॉलोनी में बजरी लाने वाला था मैं, कुछ प्रॉब्लम के चक्कर में बजरी नहीं ला पाया मैं, इसी महीने बजरी के कुछ पैर लेके आऊँगा। कोई मेरे को प्रॉब्लम है जिससे मैं बजरी पैर ला नहीं पा रहा, जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो मैं ज़रूर ये पैर लाऊंगा और इसमें ज़रूर लगाऊंगा। आप देख रहे हो कि लकड़ियों को अभी मैंने ये लगा चुका हूँ, परिंदे आराम से बैठेंगे। ये देखो मैंने एक यहाँ से ठोका है और एक ऐसे है, और ये जो सीधी लकड़ी जा रही है गाइस ऐसे हो गया, लगा दी मैंने स्टिक। इनको मैंने खुद ही लगाया, मैंने किसी बाहर से नहीं लगाया क्योंकि मैं छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, जैसे कि पेंट वगैरह सफ़ेदी हर चीज़ मैं खुद कर लेता हूँ, कॉलोनी वगैरह काफ़ी खुद भी करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस होए और किसी के भरोसे ना रहे और पैसे भी बचते इससे, जिससे कि पैसे बचने से इनका जो बर्ड्स का फूड होता है वो भी ला सकते हैं, मगर पैसे ऐसे वेस्ट करने लग गया कर देंगे कि हर चीज़ बाहर से करवाएंगे तो इससे पैसे वेस्ट भी होएंगे ज़्यादातर, कि बहुत से भाई होते हैं इनका शौक होता है जो कि करना चाहते हैं मगर पैसे के कारण वो कर नहीं सकते, वो ऐसे ही रह जाते हैं। शौक को बढ़ाइए गाइस और खूब इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए ला के लाता रहूँगा जो मेरे ऊपर इंजॉय हो जाएंगे, और जो मैं आपको प्रोग्रेस भी दो चार दिन में दिखाऊंगा। ये पिछली वीडियो में दिखाया था एक एक्टा, मेरे को पता नहीं लगा, वीडियो देखने के बाद पता लगा कि कॉलोनी में नए पैर ने एग दे दिया है। बाकी मैं एक हफ्ते बाद में ब्रीडिंग प्रोग्रेस अपडेट जरूर करूँगा ताकि मुझे भी पता लगे कि कॉलोनी में क्या चल रहा है, एग फर्टाइल है फर्टाइल है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो परिंदे होते हैं इनको बस उनको अपना ये है कि हमें ब्रीडिंग करने, मगर हम जो बर्ड्स पालते हैं उनकी देख रेख करनी चाहिए हर तरह की। गाइस ये मेल और फीमेल है, बड़े होकर इनका पैर जरूर बनेगा, और एक ये फीमेल है, ये एल्बिनो है गाइस, फीमेल एल्बिनो। बाकी मैं इस बार ब्रीडिंग में मैं देखूंगा कि लवबर्ड की ब्रीडिंग में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही तो इन दो पैर में, तो मैं आगे जरूर इस अगले सीजन में इस कॉलोनी में ही बजरी की जगह लवबर्ड डालूंगा 5 से 10 जोड़े,
उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करना मेरी वीडियो को, लाइक करना और गाइस सपोर्ट करो ताकि मैं कुछ करूँ, अच्छे अच्छे वीडियो लाओ आपके लिए नॉलेजबल, जो कि न्यू भाई होते हैं जो हमारे बर्ड्स पालते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, वो बर्ड्स लाते हैं और उनका ऐसे ही जाया हो जाता है, उनको नॉलेज नहीं होती और फिर वो बर्ड्स पालना छोड़ देते हैं। मगर शौक़ को हमेशा बढ़ाना चाहिए और अपने काम धंधे को भी ध्यान में देना चाहिए। अगली वीडियो मिलते हैं गाइस।